एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताने वाला हूँ हमारी हिस्ट्री ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का इतिहास के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ आज। तो हमारे इतिहास को जो है वो तीन हिस्सों में बांटा गया है, प्राग इतिहास, आग इतिहास और ऐतिहासिक काल। तो प्राग इतिहास वो टाइम पीरियड होता है कि टाइम पीरियड व्हेन ह्यूमंस वर नॉट एबल टू राइट एंड मेंशन, या प्राग इतिहास वह इतिहास होता है कि जिस समय इंसान ना लिख पाता, मानव ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है। प्रोटो हिस्ट्री मतलब आग इतिहास होता है, आग इतिहास में वह काल होता है कि जहाँ पे मानव लिखना तो जानता है लेकिन उसके बारे में पढ़ा नहीं गया, उसने जो लिखा है उससे पढ़ा नहीं जा सका आज तक। उदाहरण के तौर पे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, हिस्टोरिकल पीरियड वो पीरियड होता है जहाँ पे मानव की पढ़ाना लिखना तीनों ही पढ़ भी सकता है लिख भी सकता है। प्री हिस्ट्री में जो था सबसे पहले हमें तांबे की खोज हुई थी, मतलब प्राग इतिहास में। आग इतिहास काल में कांसे की खोज हुई थी और ऐतिहासिक काल में जो खोज हुई थी वो खोज हुई थी हमारे लोहे की। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ गोंडवाना लैंड के बारे में। तो गोंडवाना लैंड जीव अर्थ मतलब भूगर्भ के हिसाब से टाइम ड्यूरिंग द प्रोटो हिस्ट्री एविडेंसेस ऑफ द अर्ली मैन वॉज फाउंड हियर इन गोंडवाना लैंड। मतलब जब उस समय की बात है कि जब आग इतिहास के समय में जब गोंडवाना लैंड के भूगर्भ से पता चला तो उससे हमें स्रोत और सबूत हमें प्राप्त हुए कि यहाँ पर गोंडवाना लैंड हुआ करता था मध्य प्रदेश के अंदर। हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्ट फ्रॉम द स्टोन एज, मतलब पाषाण काल जो है हमारा प्राग इतिहास में उसी समय से पाषाण काल भी मध्य प्रदेश में देखा गया है। ड्यूरिंग द स्टोन एज इन एमपी ह्यूमन बींग्स यूज टू हंट लिव्ड नोमैडिक लाइफ इन सर्च ऑफ फूड। मतलब पाषाण काल के समय में मध्य प्रदेश में मानव जो था वो शिकार करता था और खाना बदोशों वाली जिंदगी जीता था और यहाँ से वहाँ खाने के कारण खाने की तलाश में भटकता रहता था। मैनी पार्ट्स ऑफ एमपी वर एक्सकवेटेड एंड मैनी प्री हिस्टोरिकल साइट्स वर फाउंड। मतलब बहुत सारे हिस्सों में खुदाई करी गई और बहुत सारे मध्य प्रदेश में प्राग ऐतिहासिक काल की चीज़ें प्राप्त हुई। भीम बेटका इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट फाउंडेड विद विष्णुधर वाकांकर ऑन द बैंक्स ऑफ द नर्मदा रिवर। मतलब भीम बेटका जो है रायसेन जिले में विष्णुधर वाकांकर के द्वारा खोजी गई थी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं में आती है। आदमगढ़ केव रॉक शेल्टर्स, मतलब आदमगढ़ की गुफाएं जो है आरबी जोशी के द्वारा खोजी गई थी नर्मदा नदी के किनारे और जो कि सतपुड़ा रेंजेस में आती है। अब सेकेंड फेज जो है वो चैल्कोलिथिक, मतलब यहाँ पे ताम्र पाषाण काल की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जो कि सिंधु सभ्यता के समकालीन था और नर्मदा नदी के आसपास था और 2000 एडी की बात है। मेन सेंटर्स ऑफ दिस साइट आर, मतलब हमारे ताम्र पाषाण काल की चीज़ें उनकी साइट कौन कौन सी वो मैं बता देता हूँ। महेश्वर, नबदा टोली, कायथा, नागदा और बरखेड़ा, एरन, एपिक्स। तो ग्रंथ जो थे वो मध्य प्रदेश में रामायण और महाभारत ने मेन मुख्य रोल अदा किया। अवंती जनपद वॉज वन ऑफ द महाजनपद फ्रॉम द 16 महाजनपद हु हैड टू मेजर कैपिटल माहिष्मती एंड उज्जैन। अवंती जो है आज के करंट में उज्जैन बोला गया है। अवंती महाजनपद थी, 16 जनपद में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में थी जिसमें से कि एक मेन थी उज्जैन जिसकी राजधानी माहिष्मती तथा उज्जैन थी। मध्य प्रदेश का मेन पार्ट जो है वो मौर्य साम्राज्य का था। अशोक को जो था अशोक ने सांची और भरहूत की स्तूप बनवाई थी मध्य प्रदेश के अंदर और इनका अशोक जो थे वो यहाँ के बोला जाए तो उज्जैन के राजकुमार भी थे। तो और अशोक ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोटस मेड गरुण स्तंभ। तो जो गरुण स्तंभ है उसको बनाने वाले हेलियोडोटस थे, ग्रीक एम्बेसडर मतलब ग्रीक राजदूत, उन्होंने गरुण स्तंभ बनवाया विदिशा में। चौथा पांचवी शताब्दी में मध्य प्रदेश के राजा गुप्त राजा उज्जैन के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने उन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन को बनाया। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं और भी वीडियोज हिस्ट्री से रिलेटेड बनाते रहूँगा।